सभी हाउस वाइफ को यही लगता होगा कि हमारी दुनिया सिर्फ घर के काम और साफ सफाई तक सीमित है जी नहीं हमारे लिए साफ सफाई के अलग ही मायने हैं साफ सफाई और वेल मैनेज अपना घर रखना हमारी पर्सनालिटी को दर्शाता है जब हम अपने घर को और अपने आप को सही तरीके से रखते हैं तो वही चीज हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं और उनकी लाइफ में भी फिर वो उसी तरह से काम करते हैं जिससे उनका लाइफ और उनके काम करने का तरीके में सुधार आता है और उनकी लाइफ ईजी होती है तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मेरा सुबह का काम हो गया है और लंच भी हो चुका है लंच होने के बाद के मैं ये बर्तन साफ कर रही हूँ बर्तन साफ करने के बाद फिर ऐसा लगता है कि थोड़ी देर अब बिस्तर पे आराम कर ले क्योंकि सुबह के पांच बजे से उठने के बाद और पूरा आधा दिन का काम हो जाने के बाद पूरी बॉडी से एनर्जी निकल जाती है लेकिन फिर भी आज मेरा वीक में में एक दिन सब्जियां लाती हूँ हफ्ते भर की सब्जी ला देती हूँ तो उसके लिए भी फिर मैं पहले से कुछ प्रिपरेशन करती हूँ सब्जी लाने के पहले तो जब बर्तन धो के हो गया मेरा जो किचन का काम था वो सिमट गया तो यहाँ पे फिर मैं सब्जी लाने के पहले जो इस तरह से मैं प्याज और और लहसुन आलू जिस बास्केट में रखती हूँ उसे भी थोड़े बहुत उसमें जो बचे रहते हैं उसे खाली करके उसे क्लीन कर देती हूँ क्योंकि हफ्ते भर की सब्जियाँ उसमें जब हम आलू प्याज और लहसुन रखते हैं तो उसके छिलके भी गिर जाते हैं और बारिश का टाइम चल रहा है तो मिट्टियाँ भी काफ़ी सारी सब्जियों में लगी होती हैं तो इस तरह से निकाल के मैं इसे बास्केट को भी क्लीन करती हूँ और साथ ही जो फ्रिज में इस तरह से जो मैं लाइनर लगा के रखती हूँ उसे भी निकाल के साफ कर लेती हूँ हाथों हाथ और साथ ही जो वेजिटेबल बास्केट होता है फ्रिज का उसे भी निकाल के साफ कर लेती हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पे फ्रिज की भी क्लीनिंग कर देती हूँ जब बास्केट और ये सब चीजों को लाइनर इन सब चीजों को निकालती हूँ तो इस तरह से एक बार उसमें भी पोछा मार लेती हूँ सभी चीजों को अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ क्योंकि डीप क्लीनिंग तो हम महीने में ही करते हैं तो इस तरह से वीकली जब मैं भाजी लाती हूँ तो एक बार फ्रिज की क्लीनिंग कर देती हूँ जिससे कि फ्रिज साफ सुथरा बना रहता है एक से डेढ़ घंटे आराम करने के बाद तैयार होकर फिर मैं सब्जी लेने चली गई थी सब्जी लेके आने के बाद फिर यहाँ पे मैंने पहले चाय चढ़ा दिया है सब्जियों को साइड में कर दी हूँ पहले चाय चढ़ा दे रही हूँ उसी के साथ सब्जी सब खत्म हो गई थी कुछ भी सब्जी नहीं थी तो यहाँ पे मैंने राजमा भिगा दिया था तो मैं आज राजमा की सब्जी बनाऊंगी तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और झटपट राजमा की सब्जी बन जाती है जो मैं मेरे तरीके से बनाती हूँ तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो यहाँ पे मैं चाय के साथ यहाँ पे कुकर लगा दे रही हूँ कुकर में राजमा को बॉयल होने के लिए रख दूंगी तो उसे बॉयल करने के टाइम में यहाँ पे राजमा के साथ पानी डाल दे रही हूँ और पानी के साथ इसमें ये थोड़े से दालचीनी के टुकड़े डाल रही हूं दो तेज पत्ता डाल रही हूँ और नमक डाल देंगे और इन सभी को कुक कर लेंगे मतलब बॉईल कर लेंगे इस तरह से जब हम इसमें गरम मसाले डाल देते हैं तो राजमा में बहुत अच्छा गरम मसालों का फ्लेवर आ जाता है उसे बॉईल करते समय ही इस तरह से अगर हम डाल देते हैं तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है तो इसे मैं अब कुकर लगा दूँगी और इसे अच्छी तरह से कुक करूँगी जब तक ये कुक होगा तो मैं यहाँ पर सब्जियों को भी रख दूँगी तो उससे पहले देखिए यहाँ पर मेरी चाय उबल गई है तो इसे मैं छान के ले लूँगी और इसे पहले इंजॉय कर लूँगी चाय बैठ के फ़ुर्सत में उसके बाद फिर काम शुरू करूँगी क्योंकि हम लेडीज़ों का है कि अगर हम अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा हम इन्हीं कामों में अटके रहेंगे तो फुर्सत के दो पल हमें निकालना जरूरी होता है तो इसी तरह से जब मैं सब्ज़ियाँ लेने जाती हूँ तो हफ्ते में एक दिन मेरी सहेलियाँ मिल जाती हैं तो मैं आधा एक घंटा उनके साथ भी थोड़ा बातचीत कर लेती हूँ तो मन फ्रेश हो जाता है तो इस तरह से आने के बाद मैंने चाहिए चाय चढ़ा के चाय भी अब पी लिया है अब उसके बाद जब तक राजमा बॉयल हो रहा है तब तक सब्जियों को रख लूँगी और यहाँ पे देखिए जो मेरे वेजिटेबल बास्केट हैं सभी को मैंने अच्छे से क्लीन करके सुखा लिया है तो बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो गए हैं और यहाँ पे फिर उसमें मैं सब्जियाँ रख देती हूँ तो यहाँ पे देखिए ये आलू प्याज और लहसुन को रखने के मेरे लिए मैं इस तरह के बास्केट का यूज़ करती हूँ बहुत ही यूज़फुल होता है मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस तरह के बास्केट में ये जाली जैसे होते हैं तो इसमें आलू प्याज लहसुन बहुत अच्छी तरह से रह जाते हैं और तीन से चार किलो तक आलू प्याज इसमें आराम से आ जाते हैं तो इस तरह से लग, इसमें रख के और इसका अगर लीड लगा दे तो बहुत अच्छे से देखने में भी अच्छा लगता है और हमारे आलू प्याज बहुत दिनों तक इसमें टिक जाते हैं उसी के साथ इस तरह से जो मेरे सब्जियों के लिए मैं इस तरह का ये नेट वाले जो बैग जैसे आते हैं उसका यूज़ करती हूँ तो इसमें अलग अलग करके मैं सब्जियों को रख देती हूँ तो बहुत ही ईजिली जो भी सब्जी बनाना होता है तो उसे निकाल के फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ तो बहुत ही अच्छे ये ऑर्गेनाइज़र हैं तो इस तरह से देखिए हमें भी अपने काम को अगर हम आ, फिक्स रखें और एक टाइम सेट किए रहें तो बहुत ही आराम से हमारे काम हो जाते हैं इस तरह से जब मैं हफ़्ते में एक दिन सब्जियां ले आती हूं तो मेरा काम आसान हो जाता है और सभी को इस तरह से अलग करके रखती हूं तो वो भी मेरा काम आराम से हो जाता है कि मुझे पता रहता है कि किस दिन कौन सी सब्ज़ी मुझे बनानी है और साथ ही साथ हफ्ते में एक दिन मेरे फ़्रिज की भी सफाई हो जाती है इस तरह से जो भी चीज़ों में मैं सब्जियां रखती सब्ज़ियाँ उसे भी क्लीन करते रहती हूँ तो एक साथ लोड भी नहीं आता है और हमारी चीज़ें साफ़ सुथरी भी बनी रहती हैं सब्जियों को सेट करने तक मेरा राजमा का सीटी भी लग गया है कुकर भी हो चुका है तो इसे मैं अब बंद कर दूंगी और ठंडा होने दूंगी और उसी के साथ अब शाम हो गई है शाम का दिया बत्ती करने का टाइम हो गया है तो पहले मैं दिया बत्ती कर लूंगी उसके बाद फिर अब खाना बनाना शुरू करूंगी इतने देर में कुकर का गैस भी निकल चुका है तो इसे खोल के पहले देख लेती हूँ तो देखिए बहुत अच्छी तरह से राजमा कुक हो गया है बहुत ही अच्छी तरह से मतलब एकदम गल गया है इसी तरह से हमें राजमा को कुक करना है अगर इस तरह से नहीं कुक होता है तो फिर जब सब्जियां हम बना लेते हैं तो राजमा बहुत ही टाइट टाइट लगता है तो मैं बहुत ही इस तरह से एकदम ही राजमा को ज़्यादा सीटी लगा लेती हूँ अब उसके मैं मसाले रेडी कर रही हूँ तो मसाले किस तरह से मैं रेडी करती हूँ इस तरह से पहले थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ कढ़ाई में यहाँ पे मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ और फिर उसमें मैं एक चम्मच जीरा डाल देती हूँ जीरा के साथ यहाँ पे मैंने दो बड़े प्याज को इस तरह से काट लिया है इसे इसमें भूनूंगी और जब तक ये भुन रहा है तो मेरा ध्यान चला गया जो मेरे किचन का ड्रॉवर है क्योंकि उसमें जब मैं सब्जियाँ लाने के बाद सब्जियों को खाली करने के बाद बैग रखने गई तो मेरा जो ड्रॉवर है ये किचन का बहुत ही डिस्टर्ब लगा क्योंकि कितना भी हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो वो हफ्ते दस दिन में तो थोड़ा डिस्टर्ब हो ही जाता है तो यहाँ पे जब तक प्याज भून रहा है तो प्याज भूनते भूनते मैं अपने ड्रॉवर को भी क्लीन कर लूँगी तो यहाँ पे मैंने ड्रॉवर में अपने इस तरह से मेरे काफ़ी सारी चीज़ें इसमें छोटी बड़ी रहती हैं जो यहाँ वहाँ थोड़ी हो जाती हैं तो उसे पहले मैं सभी चीज़ों को पहले निकाल लूँगी और निकाल के इसे क्लीन करूँगी सबसे पहला रूल यही होता है कोई भी सेक्शन को क्लीन करने का कि सबसे पहले सभी चीज़ों को हटा लेकर और हटाने के बाद जब हम उसे क्लीन करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से वो क्लीन भी हो जाता है और ऑर्गनाइज भी हो जाता है ड्रॉवर को खाली करने तक देखिए प्याज इस तरह से भुन चुका है बहुत ज़्यादा हमें इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है इस तरह से ही इसे थोड़ा सा मतलब ब्राउन हो उसके बाद फिर इसमें मैं एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दे रही हूँ और उसी के साथ यहाँ पे एक बड़े साइज के टमाटर को कट करके डाल दे रही हूँ और साथ में थोड़ा सा नमक डाल के इसे मैं ढक के कुक करूँगी कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए और एकदम लो फ्लेम पर कुक करेंगे कि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट होकर कुक हो जाए तो ढक के अब इसे कुक होने के लिए छोड़ दूंगी और जब तक अब टमाटर गलेंगे तो मैं यहाँ पे ड्रावर के जो चीज़ों को मैंने निकाला है उसे सेट कर दूँगी यहाँ पे देखिए मेरे ड्रॉवर में मैं इस तरह से हर चीज को अलग अलग सेक्शन बना के रखी हूँ जो भी चीज़ें हैं उसे मैं सेग्रीगेट करके रखती हूँ और जो भी पुराने नए इस तरह के मेरे पास डब्बे होते हैं या आप देख सकते हैं ग्रीन टी का बॉक्स है तो उसमें मैं इस तरह से एक में तो ग्रीन टी ही रखी हूँ और एक के एक ग्रीन टी के बॉक्स में इस तरह से इनों के पैकेट्स और जो छोटे मोटे सैशे होते हैं उसे रख दी हूँ उसी के साथ इस तरह के जो डब्बे आते हैं चॉकलेट्स के आइसक्रीम के उसमें इस तरह के क्लिप्स हैं ये सब रख ती हूँ तो इस तरह से चीज़ों को सेग्रीगेट करके रखते हैं तो बहुत ही आराम से हम चीज़ों को ले सकते हैं हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और चीज़ें ऑर्गेनाइज भी लगती हैं और यहाँ पर मैं मेरे घर के कामों को मैं इसी तरह से करती हूँ जब भी मेरी नज़र जिस भी चीज़ पर चली जाती है अगर वो सेक्शन मुझे लगता है कि डिस्टर्ब हुआ है उसे मुझे ठीक करने की ज़रूरत है तो मैं टाइम या दिन नहीं देखती हूँ उसी टाइम पे मैं कर लेती हूँ तो जिस तरह से यहाँ पे मेरा खाना भी बन रहा है और साथ ही साथ मैं ये ड्रॉवर को भी ऑर्गेनाइज कर दे रही हूँ इस तरह से जब हम चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं और टाइम नहीं देखते हैं तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है और हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं आता है हमें किचन में तो काफ़ी टाइम वैसे भी अगर हम वहीं कढ़ाई के पास खड़े होकर प्याज को या टमाटर को भूनते रहें तो वो तो उतने टाइम में ही भुनेगा जितना टाइम उसे लगना है तो उतने टाइम को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं दूसरे कामों करने के लिए तो इस तरह से देखिए मेरा ये चीज़ों को मैंने सभी चीज़ों को अलग अलग करके रख दिया है तो बहुत अच्छी तरह से ये अब सेट हो गया है और इसे सभी बॉक्स को सेट करने तक मेरा यहाँ पे टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुका है तो अब इसे मैं गैस बंद कर दूँगी और इसे अच्छी तरह से अब ठंडा होने दूंगी और जब तक ये ठंडा हो रहा है तो सभी चीज़ों को मैं अब ड्रॉवर में सेट कर लूँगी मैं अपने घर के कामों को करने के लिए कभी भी बोर नहीं होती हूँ वैसे ही मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मैं इंजॉय करके ही अपने घर के कामों को करती हूँ जब ये सब काम हम हमें करना ही है हम अपने घर को बहुत हक़ से कहते हैं कि ये हमारा घर है तो उसके कामों को भी करने के लिए हमें कोई भी दिन या टाइम देखना नहीं चाहिए इंजॉय करके ही काम करना चाहिए जब इंजॉय करके ही हम काम करेंगे तभी हमें उसका आउटपुट निकल के आएगा और हम बोर भी नहीं होंगे तो इस तरह से देखिए मेरा ये ड्रॉवर भी सेट हो गया है बहुत अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मैंने सेक्शन तो मैंने बना ही रखे हैं अलग अलग बास्केट या जो पुराने बॉक्सेस होते हैं उसको ही मैंने रीयूज़ किया है बस उसमें चीज़ों को थोड़े से डिस्टर्ब हो गए थे तो उसे मैंने अलग अलग कर दिया है सेग्रीगेट कर दिया है तो इस तरह से कामों को आप कामों के बीच में ही टाइम को निकाल के और इस तरह से जब करते जाएंगे तो आपके घर का कोई भी कोना मतलब डिस्टर्ब नहीं रहेगा अच्छी तरह से वो वेल ऑर्गेनाइज रहेगा ड्रॉवर सेट करने तक यहाँ पे जो प्याज और टमाटर का हमने चटनी बना रखा था वो भी ठंडा हो चुका है तो उसे सबसे पहले मैं पीस लेती हूँ तो उसे हमें मिक्सी जार में लेके पीस लेना है जब कोई भी एक कोना मैं इस तरह से छोटे मोटे कोई भी एक कोने को मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ तो मुझे एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है और फिर मुझे और दूसरे कामों में मेरा और दिल बहुत अच्छी तरह से लगता है तो इस तरह से देखिए इसे मैंने मसालों को पीस लिया मसालों है मसालों को पीस लेने के बाद फिर से मैंने कढ़ाई रख दी है वही कढ़ाई रख दी है जिसमें तेल थोड़ा बहुत लगा हुआ है और उसमें फिर से थोड़ा सा तेल डाल दे रही हूँ दो चम्मच के करीब और उसमें जो हमने मसाले पीसे हैं उसे उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे उसी के साथ फिर उसमें मैं और सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ जिसमें मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल पाउडर डाल रही हूँ तीखा मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ साथ ही धनिया पाउडर डाल रही हूँ और जीरा जीरा पाउडर डाल रही हूँ और हल्दी डाल रही हूँ और सभी चीज़ों को अच्छे से मसालों को तेल में मिक्स करेंगे और मिक्स करके अब लो फ्लेम पर इसे हमें कुक करना है मसालों को जितनी अच्छी तरह से कुक करते हैं उतना ही टेस्टी हमारी सब्जी बनती है तो इस तरह से देखिए सभी मसालों को मिक्स कर लेने के बाद अब फ्लेम को मैं एकदम लो टू मीडियम करके इसे बहुत अच्छी तरह से कुक करूंगी। अब यहाँ पे पाँच से सात मिनट हो गया है मसालों को कुक होते हुए तो काफ़ी सारा आप देख सकते हैं इसमें से तेल छूटने लगा है इस तरह से ही तेल छूटने तक अगर हम मसालों को कुक करते हैं तो सब्जी कोई भी सब्जी बनाए तो बहुत ही टेस्टी वो सब्जी बन जाती है अब यहाँ पे मैं जो राजमा बॉईल करके रखी हूँ उसे इसमें ऐड कर दे रही हूँ उसी के साथ पानी डाल दे रही हूँ पानी यहाँ पे मैं मीडियम में डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें चावल और रोटी दोनों के साथ राजमा को खाना है तो इस तरह से डाल के इसमें बॉईल आने दूंगी और बॉयल आने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा मैं आधा चम्मच गर्म मसाला डाल दे रही हूँ साथ ही हरा धनिया डाल दे रही हूँ बहुत ही टेस्टी सा आप देख सकते हैं राजमा की सब्जी बन गई है एक बार आप इस तरह से ज़रूर राजमा ट्राई करना आप लोगों को अच्छा लगेगा यहाँ मेरी राजमा भी बन चुकी है और राइस मैंने पहले ही कुक कर लिया था अब यहाँ पे रोटी सेक लूँगी और उसके बाद दे दूंगी सभी खाना इंजॉय कर लेंगे हमारा डिनर हो जाएगा तो इस तरह से मैं अपने कामों को और अपने टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में बाय